हमसे आग्रह किया है कि आज सुबह आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ साथी और हमारे दिल्ली के एमएलए भाई विनोद कुमार बिन्नी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कुछ कहा है उस पे प्रतिक्रिया की जाए, ऐसा मीडिया ने हमसे आग्रह किया है। विनोद कुमार बिन्नी जी की बात को हमने ध्यान से सुना और उनकी बात सुन के बहुत हैरानी हुई, बहुत दुख हुआ और क्षोभ भी हुआ। हैरानी इस बात की हुई कि उन्होंने उस सरकार के ऊपर उंगली उठाई जो उनकी अपनी सरकार है, जिस सरकार ने सत्ता में आते ही पहले दो हफ्ते के बीच ऐसे कदम उठाए हैं जो देश में शायद किसी सरकार ने आज तक नहीं उठाए हैं। सत्ता में आने के पहले दो हफ्ते के भीतर ही इस सरकार ने लालबत्ती हटाई, बिजली के दाम कम किए, पानी को मुफ्त किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन बनाई, भ्रष्ट अफसरों को गिरफ्तार करवाया, सीएजी की ऑडिट का अपना वायदा पूरा किया, रैन बसरों की व्यवस्था को ठीक किया। उस सरकार के खिलाफ बिन्नी भाई ने जिस स्वर में अपनी बात उठाई उससे हमें हैरानी हुई। हैरानी इसलिए भी हुई कि पार्टी के भीतर जो तमाम फोरम उपलब्ध हैं अपनी बात रखने के लिए, पार्टी की समितियां, पार्टी के तमाम कैंडिडेट से बातचीत, पार्टी के वरिष्ठ साथियों से सब बातचीत, उन तमाम फोरम का इस्तेमाल किए बिना उन्होंने सीधा मीडिया के सामने अपनी बात रखी। जैसा कि आप जानते हैं, परसों 14 तारीख शाम को एक मीटिंग हुई थी जिसमें आम आदमी पार्टी के सभी एमएलए और तमाम अन्य कैंडिडेट उपस्थित थे, जहां दिल्ली सरकार के कार्यवाही के बारे में सामान्य चर्चा हुई, जो सुझाव थे से मांगे गए। बिन्नी भाई ने वहां एक भी ये सवाल नहीं उठाया। 14 तारीख को पार्टी के तमाम साथियों से उनकी लंबी चर्चा हुई दिन भर, तब भी उन्होंने एक भी ये मुद्दा नहीं उठाया जो उन्होंने आज प्रेस के सामने उठाया है। उनकी बात सुन के दुख इसलिए भी हुआ कि ऐसा लगा कि वो किसी और की दी हुई स्पीच पढ़ रहे हैं, हाथ में कागज थे और ये स्पीच, जैसा आप सबको भी लगा होगा, ये स्पीच में लगभग वो सारे मुद्दे थे जो विपक्ष के नेता हर्षवर्धन जी ने सदन में उठाए थे और उसके बाद वो सड़क पे भी उठाते रहे। हमारे अपने साथी एक दी हुई स्पीच को पढ़ें या उसके मुद्दों को रखें, वही सारे मुद्दों को, ये देख के बहुत दुख हुआ। सरकार के अलावा उन्होंने आम आदमी पार्टी में जो उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया थी उस पर भी सवाल उठाया। ये सुनकर भी दुख हुआ क्योंकि बिन्नी भाई तो स्वयं उस चयन प्रक्रिया के हर कदम पर अंग थे। बिन्नी भाई दिल्ली में उम्मीदवारों के चयन में स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य थे और उसके बाद जो डीसीजी ग्रुप था जहां सारे उम्मीदवारों का नाम आ रहा था, वहां पर भी दिल्ली इलेक्शन कोऑर्डिनेशन ग्रुप जो था, जिसमें दिल्ली के कैंपेन के बारे में, उम्मीदवारों के बारे में तमाम चर्चा होती थी, तमाम निर्णय होते थे, उस प्रत्येक निर्णय की हर मीटिंग में बिन्नी भाई स्वयं मौजूद थे। अगर कुछ इतना गलत हो रहा था जिसका उन्होंने आज जिक्र किया है, तो क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि देश को आगाह करें इन चीजों के बारे में, चुनाव से पहले ये बातें कहें, चुनाव के अगले दिन ये बातें कहें? ये सब बातें आज हो रही हैं, उससे कहीं ना कहीं हम यह निष्कर्ष निकालने को बाध्य हैं कि चाहे उन्होंने पहले दिन ऐसी बातें ना कही हो, कहीं ना कहीं आज ऐसा महसूस होता है कि उनके मन में मंत्रिमंडल की बात, मंत्रिमंडल में शामिल न होने का की नाराजगी रही होगी, लोकसभा चुनाव की टिकट की जो उनकी दावेदारी थी पूर्वी दिल्ली विधान लोकसभा क्षेत्र से,
उस दावेदारी को स्वीकार न करने की संभावना को लेकर उनके मन में कोई नाराजगी हो, शायद इस नाराजगी से प्रेरित उनकी सारी बात लगती है। क्षोभ इस बात का है कि आज देश एक बहुत बड़े परिवर्तन के मुहाने पे खड़ा है। आज सिर्फ दिल्ली नहीं, देश में लाखों करोड़ों लोगों की आशा का बिंदु ये आम आदमी पार्टी बनी है। जैसे जैसे लाखों करोड़ों आम लोगों की आशा का बिंदु बन रही है, वैसे वैसे इस देश के तमाम जो बड़े राजनीतिक संस्थान हैं, बड़ी पार्टियां हैं, भ्रष्टाचार के जो अड्डे हैं और इस देश में निहित स्वार्थ जितने हैं, उन सब के विरोध का भी केंद्र बिंदु अब आम आदमी पार्टी बन रही है। ऐसे में अपनी व्यक्तिगत नाराजगी, अपनी एक दो छोटी आकांक्षाओं को लेके इस पूरी आशा के ऊपर एक दाग लगाने की कोशिश करना, ये बहुत ही क्षोभ का विषय है। इतिहास में कुछ ऐसे मौके होते हैं जहां हर व्यक्ति को सोचना होता है कि मैं छोटा हूं, ये चीज बहुत बड़ी है। बिन्नी भाई ने ऐसा किया, इससे क्षोभ होना तो स्वाभाविक है। बिन्नी भाई पिछले कुछ दिनों से प्रेस में इशारे करते रहे हैं, लेकिन पार्टी ने इन सब चीजों को नजरअंदाज किया है क्योंकि इस पार्टी में असहमति की गुंजाइश है। अगर कोई असंतोष है, उसे अभिव्यक्त करने के तमाम तरीके हैं, तमाम जगह हैं। और हमारी ये उम्मीद थी कि आपसी बातचीत से पार्टी के भीतर जो फोरम है उसका इस्तेमाल करके इन सब चीजों का समाधान हो जाएगा, लेकिन उस सब को दरकिनार करते हुए उन्होंने सार्वजनिक तरीके से जिस तरह के मिथ्या आरोप लगाए हैं, उसके बाद पार्टी के लिए कोई रास्ता नहीं बचता बजाय इसके कि इसे एक पहली नजर में अनुशासन उल्लंघन की कार्रवाई माना जाए। और ऐसे में पार्टी की जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, उसे अब बिन्नी भाई के इस मायने में अनुशासनात्मक कार्रवाई की शुरुआत करनी होगी, यानी कि एक शो कॉज नोटिस, इसके ऊपर इंक्वायरी और इसके बारे में एक तुरंत कार्रवाई उसके बारे में करनी होगी। ये अंतिम फैसला इसके बारे में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी लेगी, लेकिन इस मायने में, इस मामले में और इस मामले के जरिए देश भर में जो इस तरह की कभी कभार गतिविधियां होती हैं, हम सबको ये संदेशा देना चाहते हैं कि एक लोकतांत्रिक संगठन है, इसमें बहस की गुंजाइश है, इसमें मतभिन्नता की गुंजाइश है, असहमति की गुंजाइश है, लेकिन अनुशासनहीनता की यहां कोई गुंजाइश नहीं है। हम बहुत बड़ी चुनौती को लेकर चले हैं और इस चुनौती में यदि इस किस्म की अनुशासनहीनता होगी तो सवाल केवल पार्टी का नहीं है, सवाल ये देश और हमारे भविष्य का है, उसको ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। धन्यवाद। क्या शोकॉज कर दिया गया है अभी या किया जाएगा? जी नहीं, अभी शोकॉज नहीं दिया गया है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी इस पर मिलेगी और इसके बारे में एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगी। सरोज, सरोज, एक मिनट, सरोज, मेरे आपसे सिर्फ तीन सवाल। पहला सवाल, 24 तारीख को आपने ही कहा था उन्हें मंत्री पद नहीं चाहिए था, आप भी थे उसमें और आपने ही आके बोला था ये मीडिया क्रिएशन है, आप तब झूठ बोल रहे थे या आज बोल रहे हैं कि उनकी मंत्री पद की ख्वाहिश थी? दूसरा सवाल ये कि अगर वो कह रहे हैं कि बंद कमरों में ही डिसीजन हो जाते हैं और कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस के और आपका पार्टी के बीच में साठगांठ है, आज भी आपने बीजेपी की स्पीच पढ़ने की बात कही है, कांग्रेस की स्पीच पढ़ने की बात नहीं की है, क्या ये दोबारा उस बात को साबित नहीं करता? नंबर एक, जैसा मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा, उस समय उन्होंने कहा था कि ये मामला मंत्री पद का नहीं है, उन्होंने मुझसे मिलकर कहा था, बाकियों से कहा था कि ये मान अवमानना का मानना है, ये कोई पद का मामला नहीं है और उनकी बात न मानने का हमारे पास कोई आधार नहीं है। अगर कोई हमारा साथी कहता है, एक सेकंड, जवाब दे देना ना उसके बाद। हमारा कोई साथी यदि आके हमसे कहता है कि देखिए मेरे लिए मंत्री पद का कोई मामला नहीं है, ये केवल मान अवमानना का मानना है, तो हम उस पर विश्वास करते हैं। मैंने उस वक्त भी विश्वास किया, लेकिन उसके बाद जो बात हुई है वो उन्होंने खुद कही है। जो बाद में बात हुई है, उन्होंने खुद मंत्री पद का मुद्दा उठाया और कहा कि देखिए मुझे इस मामले में भी इग्नोर किया गया और अब मुझे लोकसभा के मामले में भी इग्नोर किया जा रहा है। तो ये पहले उन्होंने ही कहा था कि ये मामला नहीं है,
बाद में उन्होंने ही कहा कि ये मामला है। योगेंद्र जी कल पहली एक मिनट अगर आप लोग एक अगर आप लोग एक एक करके पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर है। एक 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 मिनट रुक जाइए ना, एक एक करके आपके साथ ही अगर सारे जो आरोप उन्होंने लगाए वो आप एक एक करके पूछ लीजिए ना, उनकी बात आ जाने दीजिए, पूरे दूसरे सवाल का जवाब आ जाने दीजिए। जी जी भाई, वो सवाल पूछा उन्होंने बीजेपी वाला। सारे आरोप है क्या पार्टी? एक सेकंड। हाँ सर, एक सवाल ये पूछा था मैंने, आपने अभी कहा कि बीजेपी की वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं कांग्रेस की नहीं, और वो वही आरोप लगा रहे हैं कि आप पार्टी और कांग्रेस के बीच सांठ गांठ है। जो उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी संयोग से वो बीजेपी की स्क्रिप्ट थी, अगर वो कांग्रेस की पढ़ देते तो हम कांग्रेस का नाम ले देते। आप बताइए और कहा एक एक मिनट आप दीपक आप क्या करते, कौन कौन सवाल पूछेगा भाई, सवाल पूछेगा आपस में इनका झगड़ा। बिन्नी भाई ने आम आदमी पार्टी के 5-6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, आप देख लेना अगर वो उम्मीदवार हैं कि नहीं है। योगेंद्र जी क्या आपको मार विश्वास? मैं आज यहाँ पे घोषित नहीं कर दिया क्या? एक मिनट, अरे एक मिनट रुक जाइए, एक एक सवाल पूछ रहे थे बता रहे। जो चयन की प्रक्रिया है वो शुरू भी नहीं हुई है, चयन समिति की पहली बैठक आज किसी वक्त होने की संभावना है, उससे पहले यदि कोई साथी जानता है कि कौन कौन उम्मीदवार कहां कहां हो गए हैं मुझे भी दे दीजिए सूची, मुझे बहुत मदद मिलेगी क्योंकि मैं भी वो चयन समिति में बैठ रहा हूं, तो मुझे पता तो लग जाए कि मैंने क्या निर्णय कर लिए हैं। और आपने कुमार भाई का पूछा, कोई साथी कहां प्रचार करे इससे किसी पे कोई मनाही नहीं। कोई साथी यदि कल को मैं गुड़गांव में जाना चाहता हूं, गुड़गांव में काम करना चाहता हूं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर वो अपने आप को पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं उस पे पाबंदी, अगर उन्होंने ऐसा किया हो तो आप मुझे बताइए। योगेंद्र जी उसी के सवाल है कि योगेंद्र जी मेरा सवाल ये है कि जब खुद कुमार विश्वास जी ने कहा अमेठी के जनता से अपील की कि एक राजा जिताया, राजकुमार जिताया, एक नौकर को जिता के भेजिए, तमाम शहर में लगे पोस्टर उंच मंच से, इस तरीके का भाषण क्या माना जाए कि अपने आप को आधिकारिक रूप से प्रोजेक्ट नहीं कर रहे? सीधा कह रहे कि राहुल के खिलाफ लड़ूंगा। देखिए किसी की भी यदि कोई अगर किसी की इच्छा है कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे इसमें क्या बुरी बात है? वो अगर कोई व्यक्ति जाके कहता है कि मुझे आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया है या मैं आम आदमी पार्टी का लोकसभा उम्मीदवार हूं, वहां दिक्कत है, बाकी जाने में मेहनत करने में और आपके जरिए आपके जरिए मैं पूरी 543 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में मैं सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि वो ऐसा ही प्रयास शुरू करें जैसा कुमार भाई ने किया है, इससे पार्टी का बहुत फायदा होगा। एक एक सीट पे जो लोग पता नहीं कब कब से काबिज हैं उनको उखाड़ने की अगर मुहिम वो 543 सीटों में चल जाए तो इससे पार्टी का और देश का बहुत कल्याण होगा। लेकिन नवीन जी वो अपील कर रहे हैं, वो अपील नहीं है। आशुतोष भाई प्लीज। ये भी आरोप लगाया क्योंकि अचानक पार्टी जिस तरह से जीती है चुनाव, कई सारी बड़ी हस्तियां जो जुड़ रही थी आपके ज्वाइनिंग पर, उन्होंने ये बताया कि आप अपॉर्चुनिस्ट हैं, मौका देख करके आए। साथ ही दूसरा सवाल सरकार को लेकर कि आपने वादे किए थे टैरिफ कम करेंगे, तमाम चीजें कम कर, लेकिन राइडर क्यों बिठा दिया आपने, कंडीशन क्यों लगा दी, कहीं 400 यूनिट कहीं 700 से 1 लीटर भी एक्स्ट्रा होता तो एक राइडर, दूसरा सर आपको अपॉर्चुनिस्ट कहा क्या? जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था उस दिन भी मैंने सवाल का जवाब दिया था। इतिहास के इस मौके पर जब मुझे ये लग रहा है कि इतिहास एक बहुत बड़ी बदलाव की तरफ हो रहा है, उस वक्त अगर मैं अपनी नौकरी छोड़कर आ रहा हूं और उसका अगर कोई अवसरवादी कहता है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन उन्हें मुझे अवसरवादी कहने नहीं, मेरी अंतरात्मा साफ है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा हूं।
योगेंद्र जी ने ही मन से कहा था भाई ऐसे करेंगे कोई ढांचा नहीं रहेगा सरोज सरोज मेरी अच्छी दोस्त है उन्होंने एक सवाल पूछा है कि लोकसभा के लिए मैंने पत्र भरा है अब ये खुद मुझे भी सोचना पड़ेगा योगेंद्र जी को भी सोचना पड़ेगा इनको सोचना पड़ेगा ये हवा में ये सवाल कहाँ से आ रहे हैं इनके जवाब कहाँ से अभी तक तो मैंने भरा ही नहीं मैंने इस बारे में कुछ बात की है मैं कुछ बारे में सोचा नहीं इस पार्टी के अंदर लोकसभा चुनाव के बारे में हम लोगों ने साफ तौर पे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध किया है कि आपकी ये जिम्मेवारी है कि सिर्फ आप कमेटी के लोगों का ही फॉर्म न भरवाएं बल्कि कोशिश करके आपके लोकसभा क्षेत्र में जो साफ सुथरी छवि के लोग हैं उनके घर जाएं, उनसे निवेदन करें उनसे अनुरोध करें और उनसे कहें कि हम आपका फॉर्म भरवा रहे हैं आप पार्टी के उम्मीदवार बनने के लिए प्रयास कीजिए और हम सारे लोग मिलकर ऐसे लोगों को खोजेंगे आपसे भी अनुरोध कर सकते हैं अगर एक-एक कर बात करेंगे तो बेहतर होगा ना सरकार पे जो सवाल उन्होंने उठाया है मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान की किसी भी एक सरकार का आप उदाहरण दे दीजिए 15 दिनों के अंदर जिस सरकार ने बिजली पर पानी पर अपने करप्शन हेल्पलाइन शुरू करने की बात हो बिजली कंपनियों की ऑडिट कराने की बात हो भ्रष्टाचार के मामले में 3 कर्मचारियों की गिरफ्तारी और 800 कर्मचारियों का स्थानांतरण करने की बात हो इतने फैसले किस सरकार ने आज तक 15 दिनों में लिए हैं एक भी उदाहरण बता दीजिए और जो बीजेपी एक सेकेंड तो काम तो कर रहे हैं ना उसपे काम तो कर रहे हैं ना मेरा कहना यह है मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ आप ये पूछिएगा भारतीय जनता पार्टी ने 2003 के अंदर शिवराज सिंह मुख्यमंत्री का जब चुनाव जब वहां पे 2003 में भारतीय जनता पार्टी जो आज मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह जी उनकी पार्टी ने 2003 में सरला मिश्रा हत्याकांड को मुद्दा बनाया था और ये कहा था कि हम इसकी सीबीआई जांच कराएंगे सरकार में आए तो 2003 से आज 2013 हो गया 3 बार बीजेपी को वहां मौका मिला लेकिन आज तक सरला मिश्रा हत्याकांड की सीबीआई जांच की पहल नहीं हुई जबकि उन्होंने अपने घोषणा पत्र से लेकर प्रचार अभियान से लेकर बार बार इस मुद्दे को उठाया आज उनका भाई मिलने आया था हम लोगों से उसने कागज दिए हैं तो जो लोग आज ये प्रश्न उठा रहे हैं उनसे भी जरा सवाल पूछिए 10-10 साल तक आप एक प्रकरण को जो घोषणा पत्र में अपने शामिल करते हैं उसको नोटिस तक नहीं लेते और हमने लगातार जो वादे किए थे जो घोषणा पत्र में किए थे उसको शामिल किया व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जनमत संग्रह का इस्तेमाल नहीं होता है जनमत संग्रह का इस्तेमाल होता है मुद्दों पर जनता की राय लेने के लिए दिल्ली में सवाल हम यहाँ पे सवालों का जवाब देने के लिए हैं मैं केवल उसी सवाल का जवाब दूंगा जो कि दीपक जी चिन्हित करेंगे अन्यथा हमारे यहाँ बिल्कुल ये सब चलता रहेगा लोग देख पाएंगे दीपक जी आप बताएं कौन प्रश्न पूछेंगे सोलर We've seen people coming outside secretariat. People are angry that things have not been done. You have your own MLAs, not just Mr. Bini, Gopinath, etc., coming out and saying that they're against the party on certain issues. My question, we clearly understand when you say that it's a personally motivated attempt by Mr. Bini. And he's also talked about a referendum in this case. My question one is on the referendum. Are you willing to go back to the people and ask? At this point, whether or not they're happy with your mechanism and your measures so far. And second, as you go forward, as you go national, how do you plan to deal with this party? You're a party expanding at a crazy rate at this point. How do you plan to take this forward and to deal with this internally? Okay, done. Much of this is because of the extraordinary hope that Aam Aadmi Party has generated. With hope comes expectations, occasional frustrations, occasional sense of sense that it should be done faster than it is being done. We welcome these expectations. We welcome this public vigil
because that is what keeps a government in check. So we have no complaints against it.